डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो कोई लिक्विड लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। तो कोई टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे अगर आप वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री पर, उससे नीचे जाते ही वो सोलिडिफाई हो जाता है और वेपर प्रेशर इमीडिएटली क्या होता है, वो डाउन हो जाता है और यहाँ पर वो सॉल्वेंट जो है वो सोलिडिफाई हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड जो हैं फॉर्म किसी पर्टिकुलर लिक्विड की, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। देखिए, वाटर जो है 0 डिग्री, जो 273 केल्विन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो ज़ीरो से नीचे क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और ज़ीरो से ऊपर ले जाएंगे टेम्परेचर को तो वो किस में आएगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का, हम ऐसे टी नोट मान लेते हैं कि ये है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में है। और आगे आपको पता है कि जब हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो ये जो है देर से सोलिडिफाई होगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा लेट आएगा क्योंकि ये इस कर्व को थोड़ा देर से टच करता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो है वो हम मान लेते हैं टी, और ये जो डिक्रीज़ हुआ है इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बॉइलिंग में बी से करते थे, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। जब हम वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो डेल्टा टी एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। और रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो इसका मतलब ये सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो डेल्टा टी एफ यहाँ किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम, एक्स टू के। एक्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन वन ले लीजिए। और आगे क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं और ये सॉल्यूट के मोल्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख देते हैं के N2 डिवाइडेड बाई N1, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और एक आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो है इसको दोबारा लिखते हैं, डेल्टा टी एफ जो है वो क्या हुआ, के N2, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, W1 अपॉन M1। W1 अपॉन M1 का मतलब क्या है, ये वेट और मॉलिक्यूलर मास है, ये सॉल्वेंट का है। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर ये सॉल्यूट वाले को आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसी को करना है सॉल्वेंट वाले को। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये M1 जो है ऊपर आ जाएगा, तो देखते हैं कि वो क्या एक्सप्रेशन बनता है। तो ये आ जाएगा कि M1 N2 अपॉन W1। तो W1 क्या है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप मान लें कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो, तो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1000 ग्राम लेते हुए हम इसको लिख देंगे के एम वन और यहाँ पे लिखेंगे एम। तो ये आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये एक नया कांस्टेंट हो जाता है। तो इस नए कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के एफ से, और ये एम हो गया। तो ये एक फार्मूला है। तो ये वाला को हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन से आपको कहना है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट में हम ऐसा बोलते ही हैं, ये शो करते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये जो हमने कॉन्स्टेंट लगाया है के एफ, तो आपको याद ये रखना है कि इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको और बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये सारा जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये क्या है, तो हमें इसको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ़ एम इज इक्वल टू 1, सपोज कर लेते हैं कि मोलैलिटी 1 है, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो किसके इक्वल हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। और इसके जो यूनिट्स हैं के एफ के, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो पहले की तरह जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के आए थे, उसी तरह से ये भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका डेरिवेशन करना है, और इसमें इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो वो हम आगे करते हैं। तो ये कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का। और आपके पास फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। तो जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, ये डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डब्ल्यू वन 1000। तो ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये डेल्टा टी एफ का फार्मूला आ जाएगा। डेल्टा टी एफ का फार्मूला क्या आया, के एफ डब्ल्यू टू 1000 डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो अभी आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से बड़ा इजीली आप निकाल पाएंगे, ये इधर कर देना। तो के एफ डब्ल्यू टू 1000 डेल्टा टी एफ और ये क्या है डब्ल्यू वन। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये आप इस तरीके से, अगर ये आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ की वैल्यू दी है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऐसे दे रखा हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है सपोज आपको दे रखा है 272 केल्विन, तो आपको यहाँ क्या पुट करना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अगर सॉल्वेंट वाटर है तो प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है 273, और सॉल्यूशन का उससे कम होता है। तो ये 1 इस तरह से आपको 273 में से वो माइनस करके पुट करना होता है अगर सॉल्वेंट वाटर हो। तो इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कुछ न्यूमेरिकल इसमें हम करेंगे। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये फर्स्ट है, ए सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है, फ्रीजिस एट 271.90 केल्विन। ये सॉल्यूशन का दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट कि इतने केल्विन पर वो फ्रीज हो जाता है।
कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपको पहले देखना होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो वो क्या होता है, डेल्टा टी एफ। और सॉल्वेंट इसमें क्या है, वाटर है, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273। और सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 271.90। तो इसमें से ये क्या करेंगे आप, माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ये आपको याद ही रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, प्योर वाटर का 273 केल्विन होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप डिफरेंस लेंगे तो ये 1.10 केल्विन आ जाएगा। तो ये तो हो गया डेल्टा टी एफ। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला आपको याद होगा ही, वो क्या है, के एफ डब्ल्यू टू 1000 डेल्टा टी एफ, और यहाँ पे क्या है W1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के एफ की वैल्यू क्या है 1.86, और वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कितना है, ये सॉल्यूट का वेट दे रखा है 1.25, और ये कितना है 1000, और डेल्टा टी एफ आपने फाइंड आउट किया है 1.10, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 20 है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कैलकुलेट करेंगे तो ये इस केस में 105.7 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था जिसमें आपको इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सॉल्यूट है, मस्ट बी एडेड टू 5.50 केजी ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू -10 डिग्री सेल्सियस, और के एफ दे रखा है ये। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट पहले तो ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो 0 से -10 तक चला गया। तो 0 और -10 का डिफरेंस कितना होता है, तो वो कितना होता है, 10 ही होता है। तो ये आपको याद ये रखना था, पिछली प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि इसको केल्विन में चेंज नहीं करना है और ये 10 ही आपको पुट करना है। तो और आपको ये पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6O2, और उसका मॉलिक्यूलर मास जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आप आ जाएगा 62। ये आपने पहले भी किसी क्वेश्चन में किया होगा। तो एक आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए था, वो आपको फार्मूला भी उसका पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, की इतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाए, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल शुड बी एडेड। तो देखिए जो आपके पास फार्मूला था डेल्टा टी एफ निकालने का, वो क्या था, डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ डब्ल्यू टू 1000 डिवाइडेड बाई क्या था, M2W1। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही है, लेकिन आपको व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकालना है। इट मींस कि इस क्वेश्चन में W2 निकालना है। तो W2 निकालने के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका W2 का फार्मूला बना लीजिए, तो वो बन जाएगा डेल्टा टी एफ M2W1, ये इधर चले जाएंगे, और नीचे क्या आएगा, के एफ इंटू 1000। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर कितना है, 10 है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था 62 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है आपको लेना है ग्राम में। तो ये किलोग्राम का क्या करना है, आपको ग्राम बना लेने हैं पहले, और के एफ कितना है 1.86, और ये रहा 1000। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है 1833.33 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से ये मास ऑफ सॉल्यूट जो है आप कैलकुलेट कर लेना। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5% बाई मास ऑफ यूरिया एंड 10% बाई मास ऑफ सुक्रोज, इफ़ ये के एफ है डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86 अगर दे रखा है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दो सॉल्यूट हैं। अगर आप सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लेते हैं तो उसी में सॉल्यूट जो है उसमें आप देखिए सॉल्यूशन अगर आप सपोज करते हैं कि 100 ग्राम है
तो उसी सॉल्यूशन में जो मास ऑफ यूरिया है वो 5 ग्राम है और सुक्रोज जो है वो कितना है 10 ग्राम है, तो ये दोनों ही सॉल्यूट हैं तो इनका सम कितना हो गया 15। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 100 माइनस 15 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 85 ग्राम। तो सॉल्वेंट तो इतना है, उसमें सॉल्यूट लेकिन दो हैं, तो दो सॉल्यूट में हम जो पहले फार्मूला लगाते थे डेल्टा टीएफ वाला सिंपल, वो उसमें नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यूरिया है 5 ग्राम तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, तो ये तो यूरिया के मोल्स हो गए। इसी तरह से सुक्रोज जो है वो 10 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342, तो इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.112 क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मोलैलिटी जो आपको पहले बताया था W2/m2W1/1000, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही होते थे। अगर एक ही सॉल्यूट होता तो ये फार्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, दो सॉल्यूट मिला के वो इतने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.112 और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना था, वो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था 85 और ये क्या है 1000। तो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें दो दो सॉल्यूट हैं, इस तरीके से आपको उसकी निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी इतनी। उसके बाद आपको मोलैलिटी निकालने के बाद आपको क्या करना है, डेल्टा टीएफ निकालना है। तो मोलैलिटी आपको याद रखना है कि 1.31 है। तो उसके बाद हम आगे करते हैं इसको, तो देखिए डेल्टा टीएफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ जो है वो क्या है, के एफ तो कितना है 1.86 और मोलैलिटी जो है आपने फाइंड आउट की है तो वो कितनी है 1.31। तो इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.43 केल्विन आ जाएगा। ये डेल्टा टी एफ जो आया है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है 273, इतना इसमें हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इतना जब आप इसमें से डिक्रीज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 270.57। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना इसमें से ये माइनस करके कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आता है। तो ये एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल था, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना।